हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो यह सुबह का टाइम है और मैं लग गई थी किसी और काम में और मम्मी ने सब्जी बन मतलब छोक दी थी जब तक मैं आई। एक्चुअली मैं कपड़े वगैरह धो रही थी और इतने में मम्मी ने किचन का थोड़ा सा काम निपटा लिया था, मसाला वगैरह इन्होंने करके दे दिया था। बट क्या करूँ यार, मम्मी कैमरा सेट नहीं कर पाती और मुझे भी पता नहीं चला। मम्मी ने तो फटाफट अपना काम किया तो मैं आई तो मैंने कहा हो मम्मी मुझे शूट करना था। फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का आपकी बार जब भी मम्मी बनाएंगी तो आपकी बार मैं पक्का आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। सॉरी, अब क्या करें यार, पता है मम्मी सोचती हैं कि मैं नहा धो ली हूँ तो इतने मम्मी तैयार कर देती है खाना पीना। तो यहाँ पे बैंगन ये इसलिए बहुत टेस्टी बनते हैं, मेरे को इसलिए भी इससे मेरी कुछ यादें हैं जो मैं अभी बताती हूँ आपको, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अभी बस मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है और मम्मी का अपना काम चालू है, जो थोड़ा बहुत मम्मी देख रही है इधर उधर जो भी काम बचा रहता है वो मम्मी करती रहती हैं। और यहाँ पे मैं अपने खाना पीना बना रही हूँ क्योंकि मम्मी के हाथ में है दर्द, तो उस वजह से मम्मी ज़्यादा मतलब काम नहीं कर पा रही है। ये मसाला वगैरह तो इन्होंने बना दिया था, कर दिया था, पीस दिया था, तो बस मम्मी ने बताती गई और ये करते गए। मैं बाहर कपड़े वगैरह निपटा लिए और झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग ये सब मैंने कर दिया, बच्चों को नहला दिया। बस अभी है ना तनू रहता है नहाने के लिए, वो मैं अपने साथ ही नहलाऊंगी उसे। तो आज मैंने कहा चलो और काम कर देती हूँ क्योंकि अभी इन्हें भी ऑफिस जाना है, तो फिर मैंने कहा नहा मैं बाद में लूँगी। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है चार हाथों में और दो हाथों में। तो आपको सभी को पता है जब मैं अकेली रहती थी तो ऐसे ही होता था, या तो मैं इनके जाने के बाद नहाती थी मोस्टली, पर कभी टाइम मिल जाता था तो इनसे पहले भी नहा लेती थी। तो आज वैसा ही कुछ हो गया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ, फुली सी रोटियाँ बना रही हूँ और सबको खिला रही हूँ। सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और मोस्टली पापा और ये साथ ही बैठ के खाना खाते हैं और हमारे में नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। मतलब सभी को आदत है नीचे बैठ के खाना खाने की, कोई डाइनिंग टेबल तो है नहीं, सच कहें तो सिंपल सोबर से आदमी हैं हम लोग। और बेड पे भी इस नहीं बैठते, सबको नीचे बैठ के ही खाना पसंद आता है। तो चलिए मैं इनको सबको खाना पीना खिलाती हूँ और थोड़ा बहुत काम वगैरह निपटाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। तो मम्मी चली गई हैं खाना खा के थोड़ा सा आराम करने, उन्होंने दवाई ली है। दवाई लेने के बाद ही उनको थोड़ा सा मतलब होता है ना, कई बार पेन हो जाता है मम्मी को ज़्यादा, उसमें पता नहीं हुआ क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बस सो के उठी थी जब से ही ऐसा हो रहा है, दो दिन हो गए हैं। तो अब देखते हैं, डॉक्टर को भी दिखाया है, अभी जब तक कुछ नहीं होता तो ऐसा ही है। मम्मी के जॉइंट पे काफ़ी दर्द हो रहा, काम बहुत कम कर पा रही है। तो मम्मी तो लेटने चली गई हैं और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, आटा वगैरह सब निमटाना था, तो ये थोड़े से बर्तन वगैरह खाली कर रही हूँ क्योंकि तो मतलब मुझे ना बस एक बार अगर लग जाओ काम में तो सारा ही करना पड़ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, इधर फैला उधर फैला, ये एकदम सिक्वेंस से काम करती हूँ। अगर किचन का कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट किचन का फिनिश करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन भी मांझ लिए हैं क्योंकि चार्जिंग ज़्यादा थी नहीं, इसलिए फिर पहले मैंने चार्जिंग में लगा दिया था, इसलिए शूट नहीं किया आगे का। और यहाँ पे मैं स्लेब भी पूरी साफ़ कर दिया है, बस थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा था कुछ, तो मैंने दोबारा से कपड़ा मार दिया। और आटे का ड्रम भी मैंने है ना धो मांझ के रखा है क्योंकि खाली हो गया, दो बार से खाली हो रहा था और मम्मी ऐसे ही भर देती थी, तो फिर आज मेरे हत्ते चढ़ा। तो मैं तो आदत है मेरी, जैसे ही कोई बर्तन खाली होता है और उसको मैं बस क्लीन करके ही उसमें सामान भरती हूँ, तो आज मेरे हत्ते चढ़ा और मैंने उसको कर दिया साफ। और ये स्लेब वगैरह पे भी कपड़ा मारती हूँ, पता नहीं क्यों धूल इतनी आ रही है आजकल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हर एक चीज़ करनी पड़ती है। तो बस मेरी सारी किचन साफ़ हो चुकी है, थोड़ी बहुत ये टैल रह गई थी बर्तन बनाने के बाद, थोड़े बहुत छींटे हो जाते हैं, तो मैं हमेशा ही इधर जूना मारती हूँ और जूने रगड़ साबुन लगा के रगड़ देती हूँ और फिर पानी डाल के इसे साफ़ कर देती हूँ। इससे थोड़ी टैलें है ना काली नहीं पड़ती हैं जल्दी से, आपको पता ही होगा सिंक के आसपास का एरिया कितना जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसे अगर टाइम से करते रहो ना तो हमें कोई भी क्लीनिंग वगैरह की मतलब क्लीनर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली करते रहेंगे तो आपकी वैसे ही टैले बहुत चमकती रहती हैं। तो मेरा किचन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है काम से, बस ये करने के बाद अब बस मुझे बेटे को नहलाना है, खुद नहाना है।
ये जो ड्रम मैंने मांझा इसे मैं मैंने कहा धूप में रख देती हूँ, बट थोड़ा सा इसमें अच्छे से धूप लग जाएगी ना, तो देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा हो रखा है। मुझे जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, बहुत सभी को लगता होगा, सभी लेडीज़ कहते हैं ना मेहनत करते हैं हम लोग साफ़ सफाई के कारण, और उसके बाद जब घर की सफाई और साफ़ सुथरा दिखाई देता है तो बहुत ही खुशी होती है। और मुझे हमेशा पर्दे ढके रहने चाहिए, चादरें वगैरह सेट रहनी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब मेरा नहाने का काम रह गया, बट मुझे गुसलखाना भी थोड़ा सा अभी कुछ दिन पहले क्लीन किया था, पर मम्मी आजकल जैसे अंदर कपड़े धोती है ना तो टैलों पे छीटे छीटे हो जाती हैं, तो अपने कपड़े मम्मी मोस्टली नहाते समय ही धो देती हैं, वेट नहीं करती हैं कि मैं मशीन लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी। तो बस मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये काम मुझे करना है, तो फिर उससे पहले मैंने कहा चलो मैं बेटे को नहला देती हूँ, तो क्योंकि उसका भी काम ख़त्म होगा तो यहाँ बेटा बेटा रह गया था नहाने को, तो मैंने कहा चलो भैया तुम्हारा नहा लो, फिर उसके बाद है ना मैंने को गुसलखाना साफ़ करके फिर मैं नहाऊँगी, तो आज तो टाइम लगने वाला है मुझे पूरी तरीके से। तो नहा धोने के बाद मैं अब आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ, उसके बाद पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी और सारा काम हो चुका है, बच्चे और पापा मम्मी वहाँ पे हैं परले कमरे में, मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो, नहीं तो बहुत टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और हाँ मुझे कुछ क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, कुछ बातें भी करनी हैं आप लोगों से। एक्चुअली मेरे पास है ना कई पिछली मेरी वीडियोस पे जो थोड़ी बहुत पुरानी वीडियो मेरी चल रही है, थोड़ी बहुत ही कहूँगी क्योंकि इतना कुछ खास नहीं चल रही, बट कुछ वीडियोस पे खासकर मेरे रूम वाले पे होम टूर किया था ना उस वाली वीडियो पे खासकर मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आपका रूम जो है या आपका जो घर है वो रेंट का है या आपका अपना है और उसका रेंट कितना है, क्योंकि बहुत से दिल्ली से हैं, दिल्ली के हैं बहुत से हैं, तो सब अपना अपना एक शेयर कर रहे हैं। तो कुछ इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मतलब आप रेंट पे रहते हैं, आपका घर बहुत अच्छा है ब्यूटीफुल है, आप रेंट पे रहते हैं, आपका किराया कितना है। तो वैसे मैं उनको कमेंट में भी काफ़ी बार मैं आंसर कर चुकी हूँ, बट फिर कुछ लोग न्यू जुड़ते हैं, वो हमसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक, क्योंकि इस टाइप से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, स्पेशली अपनी वीडियो में मेंशन नहीं किया, बट हाँ बस ये जरूर बोला है। तो वैसे उस वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि जो ये मेरा घर है ये घर मेरा अपना नहीं है, मैं यहाँ देहरादून में मेरा कोई भी अपना नहीं रहता, मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब है तो उनका ऐसा ही चलता रहता है। थोड़ी सी वॉइस आ सकती है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यार यहाँ पे ना सामने हमारे काम चल रहा है और ये काम का मैं वेट भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी में चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, इनको बस शाम को 6 बजे के बाद ही छुट्टी मिलती है, तो इसी वजह से। तो मैंने उन लोगों को मैंने मतलब उस वीडियो में भी मैंने बताया था, बट मैं आज फिर बताती हूँ, ये जो घर है ये मेरा रेंट का है, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है क्योंकि उनका अप डाउन होता रहता है। पहले हम सबसे पहले बेंगलोर रहते थे, जयपुर रहे हैं, इंदौर रहे हैं, जबलपुर रहे हैं और कई जगह पर हम ऐसे शिफ्टिंग कर चुके हैं, फाइनली इधर हमें अब 4 साल होने वाले हैं और 4 साल से हम इधर से उधर कहीं नहीं हुए। और जो घर है मेरा दिल्ली में है, मतलब मेरे ससुराल वाला घर भी दिल्ली में ही है और मेरे पीहर वाला घर भी दिल्ली में है और जो मेन ससुराल है जो गांव का जो घर है वो भरतपुर में है। और तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो ये वाला घर है ये मेरा रेंट का घर है और इसका किराया मैं कहूँ तो क्योंकि किसी एक अमाउंट से जब शुरू हुआ था बट हमारे 4 साल हो गए हैं तो अमाउंट है ना वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है, तो इसीलिए इसका जो है अब मैं जो देती हूँ इसका वो 8,000 रुपीज़ देती हूँ और हाँ इतना मैं इसका बिल पे करती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों के सभी के क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ और मेरे पास आज ही एक जो है कमेंट आया है तो मेरे को थोड़ा सा फील तो होता ही है यार, देखो चाहे अच्छा आता है तो अच्छा फील होता है, बहुत अंदर से खुश नुमा सा लगता है, थोड़ा सा नेगेटिव आता है तो बहुत बुरा सा भी लगता है, और एक अप्रिशिएट करने वाला आता है ना कुछ बताने के लिए कि आप ऐसा करो तो थोड़ा लगता है कि किससे पूछूं, क्या कैसे पूछूं, किससे क्या पूछूं, ये सब लगता है। तो बस मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, फाइनली मतलब
सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस तरीके का कमेंट किया, क्योंकि नाइस वीडियो, बहुत अच्छा है, ये है, तो ये तो हर कोई लिखता है। किसी ने मेरी वीडियो इतनी अच्छे से देखी, इतने अच्छे तरीके से देखी कि उन्होंने मुझे कमेंट किया, 5 से 6 लाइन का कमेंट किया उन्होंने, मुझे बताया, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मुझे बोला। तो वो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ऐसा लिखा और उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने जो वीडियो का कंटेंट लाओ। तो बस मुझे आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो में कहाँ कमी है वो भी मुझे बताया करो, प्लीज़ बताया करो। और कंटेंट की रही बात, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो जो मेरे पास होता है मैं वो आपको दिखाती हूँ, 100% दिखाती हूँ, ऐसा कुछ भी मैं छुपाती नहीं हूँ। बट फिर भी आपको इम्प्रूव करने में आप लोग मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि कंटेंट में आपको क्या देखना है, कुकिंग देखनी है, स्टिचिंग देखनी है, या मैं कहाँ ठीक करूँ, कहाँ पे कम करूँ, तो ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो आई होप आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, और कुछ भी कमी हो, कुछ भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बताएंगे। तो बस अब ये जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो में आके बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, किसी को भी बताना हो। जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है मेरा इसी नाम से है, देहरादून ब्लॉगर पूजा शर्मा से है, तो आप वहाँ पे आके मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देती हूँ। हाँ थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, कुछ लोग हैं नाराज़ हैं मेरे से, पर पता नहीं ऐसा होता है, बहुतों के मैं कमेंट के जवाब भी देती हूँ, बहुतों के मेरे स्पैम में चले जाते हैं, तो फिर मैं उनके कमेंट के जवाब नहीं दे पाती। इस वजह से भी, क्योंकि मैं किसी की लाइव में गई थी और वहाँ पे मुझे पता चला कि एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे गुस्सा है कि मैं उन्हें जवाब नहीं दिया। पर मैं मोस्टली, चाहे मैं एक दिन बाद दूँ चाहे 2 दिन बाद दूँ, पर मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब हमेशा देती हूँ, किसी का भी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ लेट ज़रूर होता है, ये मेरी तरफ से मेरी ही प्रॉब्लम है, बट मैं देती ज़रूर हूँ, हमेशा सबको देती हूँ। बट चलो, और थोड़ी और कोशिश करूँगी, और देखूँगी, और ध्यान दूँगी। बट जो जिम्मेदारी मैंने आप लोगों को दी है, प्लीज़ आप उस जिम्मेदारी से बिल्कुल भी मुकरना नहीं है, मुझे बताना है, कमेंट कर कर के बताना है, मुझे पिंच कर कर के बोलना है कि नहीं पूजा तुमने ये गलती की है, पूजा तुमने वहाँ पे ठीक करो, पूजा आप वहाँ पे करो। बताइए, मैं बुरा नहीं मानने वाली, आप मेरे अच्छे के लिए ही कहेंगे, मुझे बुरा नहीं लगता यार, बुरी बातें और तरीके से कही जाते हैं, आप मेरे फ़ायदे के लिए कहूँगे तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। तो चलो यहीं पे इस वीडियो का करती हूँ एंड। आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर कर दिए होंगे जो भी आप लोगों ने मुझे कहे होंगे, और उस सब के आंसर कर दिए होंगे। और मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये भी दिक्कत है कि मैं उनका नाम नहीं ले पाती। बट यार, मैं एक का नाम लूँ तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे का लूँ तो तीसरा नाराज़ हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो कोशिश करूँगी, वॉइस आ रही है ना, तो मैं जल्द ही कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन लाती हूँ, अगर आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।